एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ज्वेलर्स के यहाँ, रेडी हूँ ज्वेलर्स के यहाँ जाने के लिए। और यहाँ की जो लाइट है ना, थोड़ा सा अजीब सा आता है, तो फेस थोड़ा सा अजीब सा दिखता है, इग्नोर करिएगा। और मैंने पहन लिया स्वेटर क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। और यहाँ एक्चुअली सुबह से बादल है, सुबह से फॉग था, तो मुझे कोल्ड भी हुआ है, तो ज़्यादा ठंड में टहलना ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने स्वेटर पहन लिया है। और ये आप देख सकते हो, ये दुल्हन का बेड है और कितना सुंदर बेड है, ये भी आप लोग देख लीजिए। और इधर रखा हुआ है डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल भी आप लोग देख लीजिए इस तरीके से। और अंदर भी चलिए आप, और ये देखो सोफा है इसका, तो ये बिट्टू आराम से बढ़िया बैठी हुई है सोफा में, मजा कर रही है। तुम भी चलो ना, का मन नहीं है एक्चुअली, शादी में मेकअप कर करके ना एकदम थक चुकी है, तो अब ये पूरा रेस्ट चाहती है। और मुझे तो बहुत ज़रूरी काम है, वरना मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। मेरा गला आप देख सकते हो, मेरी तबीयत देख सकते हो कितनी ख़राब है, लेकिन बस मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं जा रही हूँ ज्वेलर्स के यहाँ। तो मुझे एक्चुअली मुझे गिफ्ट लेना है नई दुल्हन के लिए, गिफ्ट लेना। हाँ बिट्टू बोल रही, मैं काम करके थक गई हूँ, तो हाँ शादी वाले घर में काम तो होता ही है, तो मुझे गिफ्ट लेना है नई दुल्हन के लिए, तो मैं उसी के लिए जा रही हूँ वहाँ पे। और पसंद आएगा तो कुछ अच्छा तो मैं अपने लिए भी ले लूँगी, अदरवाइज कोई बात नहीं है, इसी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा बिल्कुल भी जाने का कोई मन नहीं है। लग रहा है बस अब 2-3 दिन खूब सो ले, खूब नींद पूरी कर ले, उसके बाद कहीं जाए, लेकिन ऐसा जो सोचो वो कभी नहीं हो पाता है। तो चलिए अभी चलते हैं और आपको एक चीज और दिखा। ये है दुल्हन का ड्रेसिंग टेबल, पीछे रखा हुआ है और मौसी इसमें रेडी हो रही है। और लाइट का सच में बहुत इशू है, इधर से देखो ठीक आ रहा है, उधर से तो फेस ही एकदम धुंधला धुंधला सा लग रहा था, अब यहाँ से क्लियर है। तो मौसी रेडी हो चुकी है, तो अभी चलो चलते हैं। की हुई है अलमीरा, तो ये काफी अच्छा कवर्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट कलर है, वरना वो लाल पीली वाली ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है। तो चलो अभी अब बस हम लोग जा रहे हैं और मिलेंगे ज्वेलर्स के यहाँ। अंगूठी खरीदी है, ये आपको पास से डिजाइन दिखा देती हूँ, कितनी प्यारी लग रही है। तो ये वाली मैंने दुल्हन के लिए ली है और ये मुझे पसंद आ रही थी, तो मैंने एक अपने लिए भी ले ली है। तो इस तरीके की डिजाइन है और ये प्योर गोल्ड में है, इसमें मतलब मिक्स वाला नहीं है, तो प्योर गोल्ड में इतनी अच्छी डिजाइन मिल जाए तो फिर क्या पूछना है। तो मैं ये लेने आई थी, तो ये दो रिंग, अच्छा मैं अपनी वाली पहन के भी दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। ये देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, ये देखिए दूसरी वाली है और ये जो मैंने पहन रखी है, तो बस यही दो रिंग मैंने ले ली है। तो चलिए आप कुछ पायल वगैरह भी देख लेते हैं, कुछ बिछिया वगैरह भी देख लेते हैं। और भैया मौसी को उलझे हुए हैं, मैं मौसी कुछ मंगलसूत्र वगैरह बनवा रही है, तो अपना वो भी पूछती जा रही है, मेरा तो हो गया काम और मैं ले चुकी हूँ। तो चलिए अब घर चलते हैं और मिलते हैं। अभी मैं ज्वेलर्स के यहाँ से आ गई हूँ और बाहर बहुत सारी लेडीज आ गई है दुल्हन को देखने, जैसा कि होता है गांव परिवार की औरतें सभी आ जाती है दुल्हन देखने, तो सभी लोग बाहर दुल्हन देखने आई हुई है। तो मैं बस दुल्हन तैयार हो रही है और मैं दुल्हन को लेकर के जा रही हूँ बाहर, जहाँ पे सारी लेडीज बैठी हुई है। और मैं तो सब कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता नहीं है कि हर एक एक चीज़ को दिखाओ ना, तो लोग उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लोगों को सही चीज़ समझ में आती है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या फंक्शन में हो रहा है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ सारे रीति रिवाज, सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं आपको वीडियो में सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने अभी तक सब कुछ दिखाने की कोशिश करी भी है। तो चलिए दुल्हन हो गई, बाहर बैठ गई है और देख सकते हो आप यहाँ पर हो रहा है गाना बजाना।
अब सब गाना बजाना कर चुके हैं, ढोलक वोलक बजा चुके हैं, तो सबको पीनी है चाय। और सर्दियों के मौसम में चाय तो जितनी बार मिल जाए ना उतना ही अच्छा होता है। तो ये देखो मुझे भी मिल गई छोटू से कप में, ये देखो इतने में तो कुछ भी नहीं होने वाला लेकिन फिलहाल मिल गई है। और सभी लोग यार इतने लोग हैं तो छोटू से कप में मिलेगी क्या, बड़ी से कप में मिलेगी? अरे बहुत ज्यादा लेकिन छोटू है, इतने छोटू कप में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरे दिन चाय पीते हैं, ठंडियों में हर बार मिलता है, थोड़ी थोड़ी देर में चाय मिलती रहती है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा पीने की आदत है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ये देखो बिट्टन नौसी बोल रही है कि हमारी भी फील होकर काम कर रही है, नौसी बोल रही है कि समय तो हमारी ले लो। नहीं नहीं भाई, हम किसी और का हिस्सा नहीं लेते, आप लोग अपना अपना हिस्सा पीजिए। भाई आप हमारी बेटी हो, पी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ भैया? अब बाहर। और देखो अजू भैया क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो भैया? और आद्या ना बाहर निकल गई है, तो ये मुझे तुरंत बताने आता है कि आद्या क्या कर रही है, बाहर चली गई, गिर गई है, चोट लगी, कुछ भी होता है तुरंत बताता है। तो चलो हम लोग चाय पीते हैं और बहुत अच्छा है आज, बहुत छिटंगी मामी। और मामी ये कब बढ़िया है, ये कब बहुत बढ़िया है। मामी मामी भी हंस रही है, कह रही है कब तो तुम्हारा मस्त है। और मौसी को सुबह के आलू बंडे याद आ रहे हैं, आलू बोंडा। पानी तो चलो चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। क्या चीज? और ये देखिए अब यहाँ पर मामी जो है ना सबकी मिमिक्री कर रही है, बहुत ट्रेंड है मिमिक्री करने में, तो अभी ये करेगी इशिता मामी की मिमिक्री। चलिए मामी करके बताइए जल्दी से। अभी अभी देखिए गांव वाली चाची की तरह पे। आज मौसा जी को खाना है बिरयानी, तो ये देखिए पानी यहाँ पे बॉयल हो रहा है बिरयानी बनाने के लिए, तो पहले इसमें चावल को बॉयल किया जाएगा, उसके बाद फिर बनाई जाएगी। तो पानी यहाँ पे आप देख सकते हो बॉयल हो रहा, और साइड में इधर दूध आया हुआ है, तो दूध भी बॉयल हो रहा है। और इतने ज़्यादा लोग हैं मतलब घर में कि इतना बड़ा परिवार ही है कि ऐसे दो तो तीन तीन भगोने दूध ना सुबह से लेकर के शाम तक के बीच में ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और बाहर बनाया जा रहा है गोलगप्पे का पानी, तो रेडी किया जा रहा है क्योंकि अभी होने वाली है गोलगप्पा पार्टी, तो हम लोग गोलगप्पा पार्टी करेंगे क्योंकि जो तिलक में बहुत सारे गोलगप्पे बचे हुए थे, तो बस पानी बना लेंगे और और मटर तैयार कर लेंगे, तो गोलगप्पा हम लोग फिर खाएंगे। और आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैंने स्वेटर काफ़ी देर से पहन रखा है। तो चलिए आइए चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं कि पानी कौन रेडी कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे हो रहा है गोलगप्पे का पानी रेडी, और ये कर रही है बिट्टन मौसी रेडी। और ये देखिए गोलगप्पे का पानी पूरे एक बाल्टी है, और कितना हरा हरा लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है देखने में। तो ये है गोलगप्पे का पानी, और बस अभी हम लोग गोलगप्पे खाएंगे, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गोलगप्पे है बहुत ही टेस्टी, भाई मेरा खाना वाला है, राजा बनाए।
मौसी बड़े ही मजे से गोलगप्पे खा रही हैं। देखिए ना गोलगप्पे, ये देखिए एक और पूरा एक गत्ते गोलगप्पे रख। बारी बारी से आ रहे हैं, बारी बारी से खा रहे हैं। और दो हलवाई लगे हुए हैं, मतलब दो गोलगप्पे खिलाने वाले लगे हुए हैं, एक प्याज डाल रहे हैं और एक पानी डाल रहे हैं और खिला रहे हैं। तो चलो हम लोग गोलगप्पे का स्वाद भी बता दीजिए। तो बहुत टेस्टी गोलगप्पे बने हुए हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को गोलगप्पे का स्वाद भी बता दूं मैं, तो बहुत अच्छे है क्योंकि घर का जो पानी होता है ना वो अपने अकॉर्डिंग बनता है, खट्टा मीठा तीखा सब हमने अपने अकॉर्डिंग किया है। मार्केट से जो आता है ना तो उसमें तो कभी कोई चीज कम होती कभी ज्यादा होती है, बट जब घर में बनाते हैं ना तो सारा टेस्ट बराबर होता है, अपने अकॉर्डिंग होता है, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो सब चीजें हमने अपने हिसाब से इसमें डाली है तो बहुत अच्छा टेस्ट है। और हींग खूब सारी डाली है ताकि जो कोल्ड का टाइम है ना, तो हम शाम को गोलगप्पे खा रहे हैं तो इसलिए किसी को नुकसान भी ना करे, क्योंकि हींग बहुत गर्म होती है और हींग जो है हींग खाने से ना जितनी भी सर्दी होती है ना सब दूर भाग जाती, छू मंतर हो जाती है। तो मैंने हींग खूब सारी डाली है, काला नमक भी डाला है। तो बस गोलगप्पे हम लोगों ने खा लिए हैं और बहुत मजा आ रहा है, सब अभी लगे हुए हैं। तो चलो मिलते हैं बाद में।